सीवरेज पाइपलाइन को दुरुस्त करने की मांग को लेकर कोलियापुरी गांव के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी वासियों ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। दुर्ग बालोद मुख्य मार्ग पर स्थित कोलियापुरी गांव के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के रहवासियों ने सीवरेज पाइपलाइन को दुरुस्त कराने की मांग को लेकर अपना विरोध जताया, साथ ही सड़क बाधित कर चक्का जाम कर नारेबाजी की। गौरतलब है कि पिछले कई महीनों से परेशान कॉलोनी के रहवासियों ने इस समस्या को लेकर हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों तक की अपनी बातें पहुँचाने की कोशिश करी है, मगर कोई निराकरण अब तक नहीं होने से नाराज कॉलोनी के रहवासियों ने विरोध जताया। इस मौके पर पहुंची पुलगांव पुलिस ने सड़क पर लगे जाम को बहुत मुश्किल से हटाया। ये बालोद रोड जो बन रही है, इसके कारण हमारी कॉलोनी की सीवरेज पाइपलाइन विगत 3 महीने से दब के बंद हो गई है, और इसके कारण टोटल टॉयलेट बाथरूम का पानी घर में ही जाम रहता है, और बाहर के चेंबर पूरे बजबजा रहे हैं, और भयंकर बीमारी का खतरा हो गया है। अंदर बाहर टोटल दुर्गंध का वातावरण है, तो सांप वगैरह कीड़े निकल रहे हैं। और इसके लिखित और मौखिक शिकायत मुख्य कार्यपालन अभियंता हाउसिंग बोर्ड के श्री राम ठाकुर जी को हम लोग बार बार कर चुके हैं। अब पिछले सोमवार को कलेक्टर जनदर्शन में हमने लिखित में दिया कि शुक्रवार तक के यदि ये सीवरेज पाइपलाइन दुरुस्त नहीं की गई तो हम मजबूरन बालोद रोड में चक्का जाम करेंगे, लेकिन आज शुक्रवार तक के ये समस्या के पूछने के लिए भी कोई नहीं आया, इसलिए मजबूरीवश हम लोगों ने अनमने ढंग से ये चक्का जाम किया है। हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा ये कदम उठाते हुए, लेकिन चूंकि प्रशासन ने कोई और चारा हमारे सामने छोड़ा नहीं है, इसलिए अंतिम हथियार के रूप में हमने ये विरोध प्रदर्शन का तरीका आज अख्तियार किया है। मुख्य कार्यपालन अभियंता जैसे ही आकर 2-4 दिन में हमारी समस्या का निराकरण होने संबंधी लिखित आश्वासन दे देंगे, हम तत्काल चक्का जाम हटा लेंगे। लेकिन 2 घंटा हो गया, कोई अधिकारी हाउसिंग बोर्ड का अभी तक नहीं आया है, तो ये जो भी अव्यवस्था हो रही है आने जाने वाले लोगों को, इसका जिम्मेदार कोई है तो हाउसिंग बोर्ड है, और हाउसिंग बोर्ड के मुख्य कार्यपालन अभियंता श्री राम ठाकुर है। तो कोई भी कार्रवाई यदि होनी है तो उस अधिकारी के खिलाफ होनी चाहिए। 400 रुपया हम लोगों से महीने का टैक्स लेता है, जबकि यहाँ की सफाई कॉलोनी वासी चंदा करके करते हैं। चूंकि ये समस्या बड़ी है, इसमें ज़्यादा धनराशि खर्च होना है, इसलिए ये काम तो हाउसिंग बोर्ड के द्वारा ही होगा, इसलिए हम उनको बाध्य करने के लिए आज ये चक्का जाम कर रहे हैं। ये बालोद रोड बनने के कारण जो अगल बगल की अप्रोच पाइपलाइन नाली बनी है वो ऊँची हो गई है, और सीवरेज पाइपलाइन नीचे दब गई है, इसलिए आउटलेट की पाइप पूरी तरह चोक हो गई है। तो जब तक नई पाइपलाइन बिछा के इस पाइप में नहीं जोड़े, बहुत सामान्य काम है, मुश्किल से 1 से 2 दिन का काम है, लेकिन ये लोग टोटल उदासीन हैं और कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, पब्लिक की मांग को फालतू समझ रहे हैं। एक नई पाइपलाइन ला के जोड़ देंगे, समस्या का निदान हो जाएगा, लेकिन आश्वासन देने तक के लिए नहीं आ रहे, जबकि 2 घंटे से रास्ता बंद है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।